हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम माय साइंस पीरियड. लास्ट पीरियड वी हैव लर्न फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, दैट इज चैप्टर ऑफ फर्स्ट लुकिंग अराउंड. नाउ टुडेज वी विल लर्न अबाउट फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, जो फीचर्स मैंने आपको लिविंग थिंग्स के बताए थे उनके अपोजिट जो फीचर्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स के होते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव. ओके, फर्स्ट आपको ये नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है ये समझना है. ओके, मैंने आपको लास्ट पीरियड में भी बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं. ओके, अभी नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, दैट इज थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ. ओके, जिन चीज़ों को लाइफ नहीं होती है, जिन चीज़ों को जीवन नहीं होता है, लाइक दैट चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, मोटरसाइकिल, कार, ये सभी क्या है, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है. ओके, डू नॉट हैव लाइफ क्योंकि इनके पास जीवन नहीं है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते, लिविंग थिंग्स मूव होते हैं. ओके, हमने देखा है कि लिविंग थिंग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते, ट्रेवल करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो है ये मूव नहीं करते हैं. उसके बाद है कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. ओके, इन्हें महसूस नहीं होता है. और उसके बाद लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स को फील होता है, महसूस होता है. उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ नहीं होती है. ओके, आज जो टेबल जितना है कल बड़ा नहीं होगा. ओके, आज जो टेबल जितना है उतना ही कल भी आपको दिखाई देगा. पेन है, पेन का साइज नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं. ओके, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है. ओके, उसके बाद है डू नॉट, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकते. ओके, क्योंकि उनके पास लाइफ ही नहीं है तो सांस कैसे लेंगे. यानी जिनको जीवन होता है वो सांस लेते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो ये सभी क्या है, ये सभी लिविंग थिंग्स है तो ये सांस लेते हैं. ओके, सो लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते, सांस लेते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है, ये नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं. लाइक दैट बॉल, बुक, चेयर, पियानो, ऐसी अनगिनत बहुत सी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स में आती है. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स में वो चीज़ें आती है जिनके पास लाइफ नहीं होती है, जिनके पास ग्रोथ, जिनकी ग्रोथ नहीं होती है, जो मूव नहीं करते हैं, मतलब खुद से मूव नहीं करते. ओके, देन उसके बाद है ईट फूड और प्रोड्यूस, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, लेकिन लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर. ओके, मतलब लिविंग थिंग्स को पानी, खाना और हवा की ज़रूरत होती है. उसके बाद है कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस ओन काइंड, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अपने जैसे दिखने वाले औरों को क्रिएट नहीं कर सकते, दूसरों को क्रिएट नहीं कर सकते, दूसरों को जन्म नहीं दे सकते. ओके, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे प्लांट्स है, तो प्लांट्स अपने जैसे दिखने वाले दूसरे प्लांट्स को जन्म देते, क्रिएट करते. ओके, मतलब आपने मैंगो ट्री देखा है, मैंगो की जो सीड होती है, हम अगर उसको ज़मीन में लगाते हैं तो उस मैंगो सीड से न्यू प्लांट क्रिएट होता है. ओके, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स भी अपने जैसे दिखने वाले और बच्चों को जन्म देते हैं, और उसी के साथ साथ एनिमल्स जो है, एनिमल्स भी अपने जैसे दिखने वाले और बच्चों को जन्म देते हैं. ओके, मतलब हमने देखा है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड. ओके, मतलब लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स अपने जैसे दिखने वाले और बच्चों को जन्म देते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है, ये नॉन लिविंग थिंग्स अपने जैसे दिखने वाले ओन काइंड्स को क्रिएट नहीं कर सकते. ओके, ध्यान में रखना, बॉल जो है, एक बॉल जो है दूसरा बॉल वो खुद नहीं क्रिएट कर सकता. ओके, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आता है. उसके बाद
चलती नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, क्योंकि नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, अभी नेचुरल और मैनमेड थिंग्स क्या है? नेचुरल थिंग्स मतलब वो चीज़ें हैं जिन्होंने जिनको कुदरत ने बनाया है, ओके मतलब इन्हें हम प्राकृतिक कह सकते हैं कि ये पहले से ही नेचर ने बनाए हुए हैं। और मैनमेड थिंग्स वो थिंग्स है जिनको इंसान ने बनाया है, ओके अभी नेचुरल थिंग्स और मैनमेड थिंग्स में कौन से आते हैं वो हम देखने वाले, ओके थिंग्स लाइक द सन, मून, रॉक्स, एयर एंड वाटर आर फाउंड इन नेचर। अभी मैंने जो आपको थिंग्स बताया है क्या है, सन मतलब सूरज, उसके बाद मून चंद्रमा, रॉक्स मतलब पर्वत, एयर हवा एंड वाटर यानी पानी, ये सभी चीज़ें आपको नेचर में मिलती हैं क्योंकि नेचर ने इनको क्रिएट किया है, ओके अभी दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, ये सभी क्या है, ये सभी नेचुरल थिंग्स है। मतलब सन जो है, सन को इंसान ने नहीं बनाया, इसको कुदरत ने बनाया है, ओके उसके बाद मून है, मून भी कुदरत का बनाया हुआ है, नेचुरल है, उसके बाद रॉक्स है, एयर है और वाटर है, ये सभी चीज़ें नेचुरल थिंग्स में आती है, ओके ये नैसर्गिक चीज़ें हैं, ये हमें नेचर से मिलती है, नेचर में हमें फाउंड होती है, दिखाई देती है, ओके और उसके बाद अगर हम देखते हैं थिंग्स लाइक बुक, ट्रेन, हाउस, क्लॉथ्स, पेंसिल एंड पेपर आर मेड बाय मैन, दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। ये सभी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ये सभी मैन मेड थिंग्स है, मतलब बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार है, पेंसिल है, पेन है, उसके बाद कोई टॉयज़ है, बुक है, ट्रेन है, बसेस है, ये सभी इंसान ने बनाया है, ओके इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कौन से, सो नेचुरल थिंग्स आर सन, मून, एयर, वाटर, ओके रॉक्स आर फाउंड इन अ नेचर एंड दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। एंड मैन मेड थिंग्स, थिंग्स लाइक बुक, ट्रेन, हाउस, क्लॉथ्स, पेंसिल, पेन एक्सेट्रा मेड बाय मैन, दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, ओके। तो आपको फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में और नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। मैं इसको रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, बाकी भी चैप्टर हम आराम से यहाँ पे लर्न करेंगे, लेकिन पहले जो पढ़ाया है वो भी रिवाइज होना ज़रूरी है, ओके इसलिए एक एक चैप्टर मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। और पहले मैंने आपको जो टेक्स्ट बुक से पढ़ाया है, ओके बैक कैमरे का यूज़ करके, तो वहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताया है और वही पॉइंट मैं अगले दिन भी आपको बताता था, ओके तो अभी मैं आपको थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा, ओके यानी आपसे आपके कानों के ऊपर से ये वर्ड जो है वो फिर से जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, ओके फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, ओके उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। पहला है पुट टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, ओके थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड, जिनके पास लाइफ होती है उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। सेकेंड है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स के पास लाइफ नहीं होती है, ओके उनका शेप होता है, वेट होता है, लेकिन उनके पास लाइफ नहीं होती है, सो बी ऑप्शन। थर्ड है टू लिव द लिविंग थिंग्स नीड, ओके अभी लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत होती है, फूड, एयर एंड वाटर, ओके फूड, एयर एंड वाटर, इसकी ज़रूरत लिविंग थिंग्स को होती है। उसके बाद है थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड, जो चीज़ें आपको नेचर में फाउंड होती है उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, ओके नेचुरल थिंग्स। उसके बाद है फिफ्थ बुक्स, ट्रेन्स, हाउसेस एंड क्लॉथ्स आर मेड बाय मैन, इनको इंसान ने बनाया है, ओके उसके बाद है थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स में थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, सभी एनिमल्स और प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स हैं।
थिंग्स क्रिएटेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. ओके, देन लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. राइट द नेम्स ऑफ फोर लिविंग थिंग्स एंड फोर नॉन लिविंग थिंग्स. अभी फोर लिविंग थिंग्स कौन से है, देखिए, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स. ओके, ये सभी क्या है, ये सभी लिविंग थिंग्स है. और नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज कार, हाउस, पेन, पेंसिल, बाइक, कार एंड एक्सेट्रा. ओके, तो ये सभी क्या है, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है. उसके बाद देखिए, राइट एनी फोर फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. क्योंकि लिविंग थिंग्स के फोर फीचर्स आपको यहाँ पे लिखने होते हैं. सो लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस ओन काइंड. ओके, ये सभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. एनी फोर, कोई कुछ भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको फोर लिविंग थिंग्स के जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं. उसके बाद है ट्रू और फॉल्स. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स है क्योंकि इनके पास लाइफ होती है. सो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, दिस स्टेटमेंट आर ट्रू. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. ओके, लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, किस लिए, जीवित रहने के लिए. ओके, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. सो दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू. लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ओके, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ये जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा. लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस मतलब लिविंग थिंग्स अपने जैसे दिखने वाले ओन काइंड को क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं. ऑफकोर्स करते हैं. ओके, क्योंकि हमने फ्यूचर्स में देखा है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. ओके, मतलब अपने जैसे दिखने वाले और बच्चों को वो जन्म देते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ये स्टेटमेंट करेक्ट कैसे होगा, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. ओके, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. तो ये जो दिया, ये भी फॉल्स है. नॉन लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ. क्या नॉन लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, नो. सो दिस स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. देन लिविंग थिंग्स कैन फील. लिविंग थिंग्स को महसूस होता है क्योंकि हम लिविंग थिंग्स हैं. हमें अगर कोई मारेगा तो हमें महसूस होता है. हम अगर किसी चीज़ के ऊपर से हाथ अगर घुमाते हैं तो भी हमें महसूस होता है. इसलिए लिविंग थिंग्स कैन फील, दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको बताई है. और उसके बाद सेकेंड जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे. गुड बाय, टेक केयर. ओके, थैंक यू.